जायफोर गोदानै दं माब्रै मोनखो माबायदि मोनखो दिनैनि रेसिपि भिडिअखौ खोन्थादो रायजोफ्रा मेरा खाना हो गया एंड निक्सन का अभी तक नहीं हुआ जल्दी से खत्म करो अच्छा आ जाओ देखो बारिश बारिश हो गया देखो बारिश आधा हो गया आ जाओ घर में चलिए आ जाओ हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर एंड आज के ब्लॉग पर सो बो को खुलूम हर और बड़े हरबा आशा कलम ना बयब मजा दो सो दिन ब्लग है आगे बड़े हरबा नौ एंड दिन जाहैबाय सैटरडे यानी कि आज वीकेंड है सो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ देखते हैं क्या क्या मैं शेयर कर पाती हूँ आप सब लोगों से आप सब लोग भी एंजॉय कीजिए एंड ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो लोग नए हैं एंड बेल बटन को दबा लीजिएगा ताकि आप सब लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे साथ में लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा एंड ढेर सारे सारे शेयर कीजिएगा अगर शेयर करना चाहते तो सो बयब आंगे वीडियो को दिनों नायलांद सो आप स्टार्ट कराबा दिन ब्लॉग को मा देखने हाई ना नायलांबा था सो लेट्स गो निशान हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक सो जैसे कि आप जानते हैं कुछ दो हफ्ते पहले मैंने मोह के कुछ प्रोडक्ट्स आपके साथ अनबॉक्सिंग की थी मैं आपको दिखाती हूँ अगर आपको याद नहीं है तो ये थी वो अनबॉक्सिंग वीडियो मोहा की जो प्रोडक्ट्स है मैंने अनबॉक्सिंग की थी आपके सामने तो इसकी रिव्यू मैं दूंगी मैंने कही थी लेकिन मैं दो या तीन ऐसे करके मैं देती जाऊंगी और हर ब्लॉग्स में मैं शेयर करती जाऊंगी रिव्यू वीडियो क्योंकि अलग सेपरेट से अगर मैं बनाऊंगी तो फिर बहुत बोरिंग सा फील होगा आप सब लोगों को देखने के लिए एंड मैं बकबक करती रहूँगी और आप सब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा सो फिलहाल आज मैं दो मोहा की प्रोडक्ट्स आपके साथ रिव्यू करने आई हूँ सो पहला है ये मोहा हर्बल फेस वॉश एंड दूसरी वाली है मोहा स्किन क्रीम एंटी एजिंग क्रीम पहले ये वाली ये दोनों की जो रिव्यू मैं पहले देने वाली हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोहा जो हर्बल फेस वॉश है ये मुझे ठीक ठाक ही लगा क्योंकि ये क्लीन ज़रूर करता है मॉइस्चराइज भी करता है और फिर इसको आफ्टर वॉश आफ्टर फेस वॉश मतलब एक ग्लो सा आ जाता है एंड बहुत ही फ्रेश सा फील हो जाता है लेकिन मुझे एक चीज़ इसकी पसंद नहीं है क्योंकि इसकी जो टेक्स्चर है देखिए ये एकदम शैम्पू टाइप है शैम्पू जैसा टेक्स्चर है देखिए एकदम शैम्पू जैसा टेक्स्चर है एंड स्मेल भी इसका थोड़ा सनसिल्क अगर आप यूज़ करते हैं जो लोग सनसिल्क शैम्पू यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि कैसा होता है सनसिल्क का जो शैम्पू का जो सेंट है वो कैसा होता है उन लोगों को पता होगा लेकिन टेक्स्चर मुझे फ़िलहाल बहुत ही ऑड लगी है अच्छी नहीं लगी लेकिन फ्रेग्रेंस भी अच्छी नहीं लगी एंड लेकिन यूज़ करने के लिए अच्छा है फ़िलहाल मॉइस्चराइज भी करता है एंड एक ग्लो सा लेके आता अच्छा है आप सब लोग यूज़ कर सकते हैं एंड रीज़नेबल प्राइस है इसकी ज़्यादा कुछ प्राइस नहीं है प्राइस मैंने पहले भी बता दिया था या भी फिलहाल हाँ इसकी प्राइस है 300 रुपीज़ लेकिन आपको डिस्काउंट में मिलेगी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलेगी आपको मैं स्क्रीन पे नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप सब लोग जाके चेक कर सकते हैं पहले भी वाली वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं वो लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में आप सब लोग चेक कीजिएगा तो दूसरी वाली जो है पहले मैं इसको पोंछ के आती हूँ देखिए फिर से तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपना हाथ मैंने धोके लेके आ गई धोके आ गई मैं और इसमें थोड़ा सा शाइनी शाइनी ऐसा लग रहा है कि नहीं तो शाइन तो ज़रूर लेके आता है वो एकदम 100% श्योर है शाइन लेके आता है अगर आपको पसंद है तो फिर आप सब लोग ले सकते हैं तो सेकेंड वाली जो प्रोडक्ट है ये है मोहा एंटी एजिंग क्रीम सो ये स्किन क्रीम है और ये आप देख सकते हैं सो ये वाली प्रोडक्ट मुझे ठीक ठाक ही लगा है लेकिन मैं आई विल नॉट रिकमेंड दिस फॉर ऑयली स्किन क्योंकि जब बहुत गर्मी होती है तो बहुत ही ऑयली हो जाती है एंड मेकअप सेकअप तो भी ज़्यादा नहीं लगा सकते कभी कभार और अगर लगाती भी हूँ तो फिर सब निकल जाता ही है इधर टेक्स्चर में बता देती हूँ आपको ये वाइट कलर के टेक्स्चर में है एंड इसको आप लगाएंगे तो फिर ये जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता है ये कुछ टाइम लेता है एब्जॉर्ब होने में तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम
होता है, एटलीस्ट 1.5-2 मिनट तो लगता ही है एब्जॉर्ब होने में, फुली एब्जॉर्ब होने में। तो मुझे ये ऐसी वाली क्रीम पसंद नहीं है ज़्यादा तर। हालांकि इसको लगाने के बाद आफ्टर इट एब्जॉर्ब्स ऑन योर स्किन, मतलब फेस में एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ ग्लो सा फील होता है फेस में। ऑयली स्किन वाले अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसको विंटर्स में लगा सकते हैं, हर्ट्स विंटर्स में लगा सकते हैं। एंड इसकी जो सेंट है मुझे काफ़ी पसंद है ये, क्योंकि एक ऑरेंजी टाइप का, टेंजी टाइप का फ्लेवर है, मुझे पसंद है, बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर है। लेकिन अगर आपके पास मतलब पास में कोई है तो फिर उसको पता ज़रूर चलेगा कि आपने कुछ ऑरेंज टाइप का, ऑरेंज फ्लेवर का कुछ लगाया है। या इसकी रेटिंग मैं 10 में दूँगी ओनली 5, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी टाइप का है और एब्जॉर्ब होने में इसको टाइम लगता है। अभी फ़िलहाल ये एब्जॉर्ब हो चुका है देखिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चिपचिपाहट है इसमें, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, मे बी मोर देन 2 मिनट्स लेगा। तो इंग्रेडिएंट्स अच्छा है, लेकिन जो टेक्सचर भी अच्छा है, लेकिन जो क्रीम है फिलहाल वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता है, वही इसकी खराबी है। सो ओवरऑल ये दो है, दो प्रोडक्ट्स मैंने इसकी रिव्यू दे दी। आप इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको यूज़ करना है कि नहीं। सो मैं तो ये यूज़ कर रही हूँ, ये वाली मुझे ख़त्म करना ही है क्योंकि आई लाइक इट जैसे भी हो, लेकिन टेक्सचर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, शैम्पू टाइप का है। एंड ये वाली आई विल नॉट यूज़ इट। सो एंड फ्रेंड्स, आज मैं एक रेसिपी वीडियो लेकर आई हूँ, आई होप आप सब लोगों को अच्छी लगेगी आज की रेसिपी वीडियो। एंड रेसिपी वीडियो शायद थंबनेल में देख के आपको पता चल ही गया होगा, है कि नहीं। तो आज मैं नो ऑयल या फिर ऑयल लेस पोर्क बॉयल रेसिपी लेकर आई हूँ। माना कि सबको पता ही है, सब लोग जानते हैं कि कैसे पोर्क बॉयल बनाया जाता है, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ वही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना जा रही हूँ। सो होप आप सब लोगों को पसंद आएगी आज की वीडियो। सो पसंद आई तो फिर क्या करना है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना चाहिए तो शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गो इन माई किचन, टेक यू डियर। सो नहीं भाई खंखाई बासन नाम आ सके भाई पे खंखाई तो बस ये हो दे क्रेप और फिश का मैं चटनी बनाने वाली हूँ। सो ये मैंने फ्राई कर लिया, अभी यहाँ पे मैं फोक फ्राई करने वाली हूँ, वो भी रोजी लीव्स के साथ में। और ये पोर्क है तो आधा मैं रोजी लीव्स के साथ फ्राई करूँगी और आधा मैं बॉयल बनाऊँगी। सो आज की रेसिपी बॉयल जो रेसिपी है वही शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ में। सो लेट्स गो। गाहोरी और टेंगा मोड़ा गाहोरी और टेंगा मोड़ा बनालू, इतना बनाम गाहोरी অমিতা বইল সো ফ্রেন্ডস ইয়া পে পাপায়া দেন ইয়ে হে টমেটো এন্ড জিঞ্জার গার্লিক এন্ড চিলি পেস্ট অর ইয়া পে কুচ অনিয়ন্স হ্যা एंड यहाँ पे है पोर्क। सो पोर्क में थोड़ा सा यूज़ करूँगी, ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। सो आप सब लोग भी देखते रहिए कुकर में बनाया हुआ पोर्क। Give you my jacket, think I'm the perfect guy, barely know you, but all that's on my mind is the feeling of you and I get ahead of myself sometimes. How did one night become a whole damn week? All the red flags I didn't wanna see, now questioning you and I, way too ahead of myself sometimes. What a way to pretend I'm still asleep, feel so fake.
लेसन कर रहा है इवनिंग वॉक। आ निशान, निशान आजा आजा। तो हम लोग कर रहे हैं अभी इवनिंग वॉक, थोड़ा इवनिंग वॉक कर रहे थे फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं। एंड थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा बारिश भी दे रहा है। ये चाबी है एंड हस्बैंड इधर चले गए हैं फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए। निशान आ जाओ, देखो बारिश बारिश हो गया, देखो बारिश ज़्यादा हो गया। आ जाओ आ जाओ, घर में चलिए आ जाओ। इसको बंद मत करो, नहीं कर सकता। अयो बाबा गुली गंभीर बा, गिर जाएगा। ऐसा करो होगा, तुम लिखने के लिए जानती हो ना इसको। देखो मेरा एंड निक्सन का अभी तक नहीं हुआ। ये क्या है? स्पेसक्राफ्ट। लिखो नई बीजों बुन नागरिका हमको बीजों बीजों नई बीजों इससे मारूंगी नौ को। ये था ये ये मारूंगी मैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही तक था एंड आई होप आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड नहीं भी आई हो तो फिर माफ़ कर देना एंड ज़रूर बता दीजिएगा कि क्यों पसंद नहीं आया। एंड निशान कुछ कह रहे हैं, कौन सा ये क्या हो गया, ये नहीं हुआ सर है ना। तो हाँ हो गया, लिखो। तो फ्रेंड्स अगर पसंद नहीं आया तब भी बताना, पसंद आया तब भी बताना एंड मैं बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो करना ही है हर किसी को। तो फिलहाल आज की ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थोड़ा सा मैंने रिव्यू वीडियो भी यहाँ पे दे दी, ऐड कर ली है एंड मैंने आज रेसिपी भी दे दी। तो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बता दीजिएगा, किन किन को पसंद आई किन किन को पसंद नहीं आई ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हर किसी का जो कुकिंग स्टाइल है वो डिफरेंट है, मेरी भी डिफरेंट होगी है कि नहीं, या फिर किसी के साथ सेम भी होगी। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। एंड इसमें मैंने एकदम से भी मैंने तेल नहीं दी है एकदम, आप सब लोगों ने देखा ही है कि मैंने कैसी बनाई है, किस तरह से बनाई है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड दोस्तों आर न्यू जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब खालाम, बयबो सब्सक्राइब खालाम। जायफोर गोदानि दं माबोरै मोनखो माबायदि मोनखो दिनैनि रेसिपि भिडिअखौ खोन्थादो रायजोफ्रा, होमबासो आंबो मोनसिगोन ना आरो आंबो इम्प्रुभ खालामनो हागोन। सो होमबा दिनै एसेनोसै भिडिअआ, दोनसै आङो ब्लगखौहाय दिनै। सो बयखौबो आं खुलुमहरबाय आरो हामबायनाय जासिहरबाय। सो थेंक इउ अल फर वाचिं दिस भिडिअ टिल दि एन्ड, लाभ इउ अल एन्ड बाय बाय एन्ड अलवेज किप सापर्टिं मि, बाय।